दोस्तों, आज हम आपको रावण संहिता ग्रंथ से कुछ जानकारियाँ देने जा रहे हैं। दोस्तों, रावण संहिता में रावण ने धनवान होने का कौन कौन से बातें बताया है, हम आपको आज बताएंगे। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटा बटन को भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियो मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रावण महाशक्तिशाली होने के साथ साथ महाज्ञानी, कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ वह महापंडित और मायावी भी था। वह लोगों को इंद्रजाल तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादुई विद्याओं को बखूबी जानता था। उसने मेघनाथ के जन्म से पूर्व मंदोदरी के गर्भ में ही मेघनाथ को अमर बनाने के लिए नक्षत्रों को एक स्थिति में ला दिया था, लेकिन आयु कारक कहे जाने वाले शनिदेव ने अपना स्थान बदल लिया, जिस वजह से मेघनाथ अल्प आयु हो गया। दोस्तों, हम आपको अब बताएंगे रावण संहिता के अनुसार धनवान बनने के उपाय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि लंकापति रावण सभी शास्त्रों का ज्ञाता था और ज्योतिष और तंत्र विद्या की भी उसी ने रचना की थी, इसलिए रावण संहिता में दशानन द्वारा धनवान बनने के उपायों के बारे में बताया गया है। इन उपायों को अपनाकर हर कोई अपनी किस्मत को चमका सकता है। तो चलिए आज हम आपको कुछ रावण संहिता में धनवान बनने के मंत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। वैदिक रावण संहिता के अनुसार जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे धन प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसे प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद किसी वृक्ष के नीचे आसन बिछाकर बैठना चाहिए। इसके बाद रुद्राक्ष की माला लेकर ओम ह्रीं श्री क्लीं नमः ध्वः ध्वः स्वाहा मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को 21 दिन तक लगातार करना चाहिए। यदि आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे तो आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। इस ग्रंथ के अनुसार किसी भी शुभ अवसर जैसे अक्षय तृतीया, दीपावली, होली आदि की मध्य रात्रि में किया गया यह उपाय आपको साल भर के भीतर धनवान बनने के लिए फलदायी होगा। इस उपाय को करने के लिए दीपावली की मध्य रात्रि में कुमकुम या अष्टगंध की थाली पर ओम ही श्री कली महालक्ष्मी महा सरस्वती मम गृहे आगछ आगछ ही नमः लिखना होगा। इसे लिखने के साथ ही साथ साफ आसन बिछाकर रुद्राक्ष या कमल गट्टे की माला की सहायता से इन मंत्र का जप भी करना होगा। इस मंत्र को कम से कम 108 बार बोलना होगा। अधिक से अधिक इस मंत्र की साधा अनुसार बढ़ा सकते हैं। इस मंत्र के सिद्ध होने पर आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। यदि आप चारों तरफ धन और धन संबंधित समस्याओं का निपटारा चाहते हैं तो आपको यह उपाय दीपावली में करना चाहिए। दीपावली की रात में विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठने के बाद और पलंग से उतरने से पहले आपको 108 बार ओम नमो भगवती पद्मे पद्मावी ओम ही ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आशीपुर्य सवर्जन वस्य कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र का जप पूर्ण होने के बाद दसों दिशाओं में 10-10 बार फूंक मारना चाहिए। जो भी इस मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा अनुसार करता है उस व्यक्ति को कभी भी धन से संबंधित समस्या नहीं आती है। रावण संहिता के अनुसार
जिनको धन प्राप्ति में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है, वे लगातार 40 दिनों तक ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम कली श्री श्रीमम धनम देहि फट स्वाहा मंत्र का जाप करें। यह महालक्ष्मी से संबंधित मंत्र है और यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला तांत्रिक उपाय भी है। इस मंत्र का रोजाना जप मात्र से ही कुछ दिनों में आपके धन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको इस माला का जाप हर रोज एक बार जरूर करना चाहिए। यदि आप धन कुबेर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवानाय धन धन्याधिपत्ये धन धान्य समृदे में देही दाप्य स्वाहा मंत्र का जाप 3 महीने तक लगातार करना होगा। इस मंत्र का जाप रोजाना 108 बार करना पड़ेगा। इस जाप को करते समय माता लक्ष्मी की कौड़ी को अपने पास रखना होगा। इस मंत्र का जाप करके कौड़ी को अपने तिजोरी में रख देना होगा। रावण संहिता में ध्रुवा घास को बहुत ही चमत्कारी माना गया है। सफ़ेद गाय का दूध तथा ध्रुवा घास को मिलाकर उसका तिलक करने से भी धन प्राप्ति का योग बनता है और धन प्राप्ति भी होती है। अगर आप समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा चाहते हैं तो आपको अपमार्ग के बीज को पीसकर उसे बकरी के दूध में मिलाकर उसका लेप बनाना होगा और उसे लगाना होगा। यदि आप समाज या ऑफिस में अपना कद बढ़ाना चाहते हैं तो आप विल्लो पत्र को पीसकर उसमें बिजोड़ा नींबू और बकरी का दूध डालकर मिला लें और फिर इसका तिलक लगाएं। आपको उन्नति मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि ये सभी उपाय तंत्रोक्त है और इन सभी में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यह ही बेहतर होगा कि इन सभी उपायों को किसी तांत्रिक या विशेषज्ञ की उपस्थिति तथा दिशा निर्देश में ही करें, अन्यथा ये उपाय निष्फल भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।